अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। शाम के बजे साढ़े सात का टाइम, 43 डिग्री टेम्परेचर राइट नाउ इन कुवैत। तो बाहर निकले हैं कुछ घूमने के लिए, ऐसे वैसे। मेरा आइडिया होता है कि जो रॉ लाइफ है कुवैत की, व्हाटएवर यू आर एक्सपीरियंसिंग, अगर तो जॉब शू कराए थे रोजाना, छू बिजनेस शू करा, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन कुवैत एज एन एक्सपैट, तो हमारी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। स्ट्रगलिंग लाइफ तो होती है, घर को घर है, मीन्स घर तो घर ही होता है भाई। अल्लाह का फजल करम यहाँ पे भी इट्स गोइंग गुड नो मैटर व्हाट। एंड चलो भाई बाहर ही निकले, गर्मी है लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है, आपको एंटरटेन करना है। जो भी वीडियोस आते हैं वो शेयर ज़रूर करें, बिकॉज दैट विल हेल्प अस टू क्रॉस 1 लाख फॉलोअर्स ऑन। कुछ साल पहले की बात है, जब मैं मतलब 2 साल पहले की बात है, जब मैं इस एरिया में आया था, ये बिल्कुल खेतान का एक एरिया जहाँ पर नेस्टो शॉपिंग मॉल है उसके पीछे ही हमें, तो यहाँ पर देखिए 2 साल भी नहीं हुआ, 1 ही साल हुआ यहाँ पर इन्हें कॉन्क्रीटिंग कर दी है। बिकॉज पिछले साल मैं कहूँ यहाँ पर रेत ही रेत था, बहुत गर्दा होता था, बट प्रोबेबली ये बिल्कुल जो ट्रायो मॉल ऊपर है, जो आपको ट्रायो मॉल दिख रहा है, इस मॉल के अंदर ओजोन सिनेमा है, वट एवर सिनेमाज हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, फूड कैफेटेरियाज हैं, तो इसके बिल्कुल पीछे ही चिकन किंग है ऑन माई लेफ्ट, आके आपके नेस्टो है। देखिए पार्किंग कितनी बना रखी है हमने, पूरा बना हुआ है और कॉन्क्रीट सब क्लीन। मैं कुछ वीडियोस में जो पुराने वीडियोस आप देखेंगे यहाँ पर रेत ही रेत थे, तो मेंटेनेंस कुवैत में ऑब्वियसली हाई है, बस करना पड़ता है इनको, दिस इज़ हाउ द थिंग्स गो। तो भाई बाकी मार्केट शाम का ज़बरदस्त होता है, मैं बेसिकली वेट कर रहा हूँ, जस्ट वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, जो मेरे दोस्त लोग हैं वो कब आएंगे क्या आएंगे मुझे नहीं पता है, वो कहीं गए हुए हैं, अभी मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। एंड अब ये चमाता छोटे छोटे आउटलेट्स है खाने पीने के, लोकल कैफेटेरियाज जो ढाबे होते हैं उसी साइड से, वो ढाबे नहीं है हमारे हिसाब से, वो कैफेटेरिया है, लेकिन अगर दिल्ली वाली लैंग्वेज में कहो तो मुझे ढाबा आप। और देखिए भाई अभी हम वेट ही कर रहे हैं उनका, वो कब आएंगे। मीनवाइल कुवैत के नज़ारे आप ले ही रहे हैं मेरे से, शाम के लगभग 7:40-8 बजे का माहौल है। कह रहे थे कि अब कियान भाई आप कैसे 50 डिग्री में कैसे घूम रहे हो, तो प्रैक्टिस की थोड़ा बहुत छुआ करो, हाइड्रेट करो खुद को, पानी पीते रहो 2-3 लीटर, फिर आप निकल सकते हो, और ज़्यादा भी नहीं, हम 5 और 6 मिनट दिन में तापमान में कर्म कराए छा सा उसमें चलो और गिर सकते हो। अब सीधे हाइपो वॉल्यूमिक शॉक वो ना करें जो मैं करता हूँ, ताप क्राइमस नहीं, और इट्स नॉट ईजी स्क्रॉचिंग हीट उस गर्मी में निकलना, बट हाँ शाम को निकल सकते हो, 7-7:30 के बाद 40 डिग्री का टेम्परेचर होता है, थोड़ा सा हवा आता सा। जो भी शॉप्स इस साइड से हैं ये सारे बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स क्या, मतलब आपको फूड की शॉप्स हैं, छोटे छोटे कैफेटेरियाज हैं, फ़ोन्स जितना भी फ़ोन्स हैं, सिम कार्ड्स हैं, वो यहीं पर मिलते हैं ऑन कॉस्ट, ऊपर एक ऑन कॉस्ट है वो भी ग्रॉसरी स्टोर है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ये है फिर यहाँ पर आपका जयलू का सेक्शन, जगह पैसे वैसे घर भेजने हो, टिकट्स विकेट्स करनी हो इसी साइड से, और इसी साइड से आगे कुवैत इंटरनेशनल बैंक भी है स्ट्रेट अवे जब आप जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको दुबई दुबई करके एक शॉप भी मिलेगा, देखिए सो यू हैव इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स के जो दुकान है उसी साइड से। जैसे ऑलरेडी देर हो गई, रीजंस क्या, इमोच ई सिम उनमुत, अब वो ई सिम एक्टिवेट हुआ है लेकिन वो चल नहीं रहा है, कुछ सॉर्ट ऑफ स्टफ हो जाएगा। आज हम 10 बजे घर पहुंचे हैं, ये दूसरा पोर्शन है शर्क साइड वाला, यहाँ से शर्क, यहाँ से भी सिम कार्ड हम कट फोन, इस तरह यहाँ से फोन मार्केट, यहाँ इर्द गिर्द सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ही मिलेंगे प्रोबेबली, और आपको मैकडी वहाँ रहता है, वो जो आपको मैकडी को थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये रहा आपका मैकडी,
ये देखिए अपोर्शन मैगडी, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये सो दिस इज योर क्वैत फाइनेंस हाउस है।